देश की राजधानी दिल्ली की सरहदों पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इसी बीच गांधी परिवार ने भी किसान मुद्दे पर सरकारों को घेरने की तैयारी कर ली है। शुक्रवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सांसदों से महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुलाकात की। ये सांसद किसानों के साथ मिलकर सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। खास बात है कि गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा था। प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस सांसदों के बीच मुलाकात राहुल गांधी के आवास पर हुई थी। ये किसान लंबे समय से धरना दे रहे हैं, वहीं राहुल गांधी भी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए देश के अन्नदाता के साथ विश्वासघात किया है। आंदोलन के माध्यम से किसान अपनी बात कह चुके हैं। अन्नदाताओं की आवाज उठाना और उनकी मांगों का समर्थन करना हम सबका कर्तव्य है। इसके अलावा गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सरकार पर जमकर सवाल उठाए थे। गांधी ने बीजेपी सरकार पर पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों समेत कई मुद्दों पर घेरा था। इस दौरान गांधी ने किसान आंदोलन का भी जिक्र किया था। गुरुवार को गांधी की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, एक और देश का अन्नदाता पिछले 44 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर अपनी जायज मांगों के समर्थन में डटा हुआ है। वहीं देश की निरंकुश, संवेदनहीन और निष्ठुर बीजेपी सरकार गरीब किसान और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने में जुटी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर कोरोना काल में खजाना जमा करने के आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को राहुल ने भी सरकार पर ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, पेट्रोल डीजल के दामों में गजब का विकास हुआ है। मोदी सरकार ईंधन पर भारी टैक्स वसूल कर जनता को लूट रही है। यही कारण है कि सरकार पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लागू करने को तैयार नहीं। शुक्रवार को सरकार और किसान संगठनों के बीच बैठक जारी है। सरकार को इस बैठक से काफी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पिन 9 न्यूज़।